संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। बिहार सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार के स्वर्णिम योजनाओं के अंतर्गत सात निश्चय योजना को धरातल पर उतारने के लिए पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जिसमें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में पंचायत के पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य तथा वार्ड सचिव की नियुक्ति के अंतर्गत इस काम को निरूपित किया गया। लेकिन वार्ड सचिव क्या कहते हैं, आइए पहले सुनते हैं। पंचायत वार्ड सचिव संघ की बैठक आज जो की गई है, वो हम लोग सरकार से जो मांग है, हम लोग जो कर रहे हैं तीन सूत्री मांग, उसमें है सबसे पहला मांग है हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, और दूसरा मांग है हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, और तीसरा मांग है हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हम बिहार के 114,654 वार्ड सचिव हैं, जो आज से चार श्रम से काम कर रहे हैं, और वो काम जो सरकार ने हमको दिए थे उस काम को हम लोगों ने धरातल पर पूर्ण रूप से उतारने का काम किए हैं, और जिसके बदले में हम लोगों को सिर्फ झुठला के काम करवा रहे हैं, और अभी तक एक रुपया का मानदेय हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अवशासन पर अवशासन दिए जा रहा है। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि सात निश्चय योजना जो काम किया गया उसका हम लोगों को मजदूरी दिया जाए। अगर वो हम लोगों को मजदूरी नहीं देते हैं और साथ साथ हमको सरकारी कर्मी का दर्जा और स्थायीकरण नहीं पूर्ण करते हैं, तो हम अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार से आगे की लड़ाई करते रहेंगे और आंदोलन जारी करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं उस लड़ाई के लिए। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं इंदु कुमारी, पंचायत वार्ड सचिव संघ के बेगूसराय जिला के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। आज जो वार्ड सचिव की जो बैठक चल रही है, उसमें मुख्य बिंदु है संगठन की मजबूती और सरकार से तीन सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श। और चूंकि मैं इस क्षेत्र का पंचायत प्रतिनिधि हूँ, इसलिए उनकी मांग चूंकि जायज है, उनकी मांग जायज है, इसलिए मैं एक जनप्रतिनिधि होकर मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनके साथ सहयोग में हर समय खड़ा रहूंगा। क्योंकि उनका जो मांग है, तीन सूत्री मांग, अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मान दे दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये तीनों मांग इन लोगों का जो है वह जायज है। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इन वार्ड सचिवों का भी अब मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये भी बिहार के मुख्यमंत्री के आश्वासन दिशा निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश स्तर के प्रत्येक प्रखंडों में अब इन वार्ड सदस्यों की बैठक शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज वछवाड़ा में भी इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदु देवी, दिनेश शर्मा, रंजीत कुमार, विवेक कुमार, ललन कुमार सिंह, सिकंदर कुमार एवं अन्य दर्जनों लोग पहुँचे। इन लोगों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखने की प्रमुखता से हामी भरी। अब आइए देखना है क्या करते हैं।